तो देखो यार, QLCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स गोट है, पर इस पर बात करने से पहले सब्सक्राइब करो यार। तो शुरुआत करने से पहले LCU की हिस्ट्री जान लेते हैं। लोकी की सेकंड और LCU की फर्स्ट फिल्म थी, कही थी द वन नाइट स्टोरी। एकदम टाइट स्क्रीन प्ले, इंटेंस स्टोरी, बवाल एक्शन सीन्स, कार्थी की करामती एक्टिंग और सैम सीएस का बीजम, इसकी माँ का फुल राड़ा थी। LCU की फर्स्ट फिल्म कही थी। नंबर टू द मास्टरपीस विक्रम। अब आती है LCU की सेकंड मूवी विक्रम। इसकी कास्टिंग थी कमल हसन, विलन के रोल में थे विजय सेतुपति और थे फहद फाजिल। मतलब यार एक्टिंग का सैलाब आने वाला था और वो सैलाब आया भी। विक्रम की हाइलाइट्स थी इंटरवल, उसकी क्लाइमैक्स फाइट सीन, द गोट अनिरुद्ध का बीजम और इंटरवल फाइट मेरी इतनी फेवरेट है यार भाई। क्या कैमरा मूव होता है उसमें और वो मास्क ऑफ सीन एक नंबर और विजय सेतुपति का गुटखा खाना भाई बकवास। और लास्ट में आता है LCU का बाप सूर्या एज रोलेस। जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका काम भी था भाई। 5 मिनट का कैमियो, खत्म भाई। सूर्या ने खत्म कर दिया था रोलेस के रोल में। पॉइंट नंबर 3, लेटेस्ट में LCU की अपकमिंग मूवी है द मच अवेटेड थलापति विजय की लियो, जो लोकेश कनगराज ही डायरेक्ट कर रहे। अरे मतलब इसकी शूटिंग भी कम्प्लीट हो चुकी है और 19 अक्टूबर 2023 LCU की थर्ड मूवी आपको आपके नजदीकी सिनेमाघरों में देखने मिल जाएगी। लियो की डिटेल तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। लियो एक मस्त एक्शन पैक मूवी होने वाली है। ये मूवी थलापति विजय की नॉर्मल मूवीज की तरह नहीं है। इसमें थलापति विजय यानी कि लियो की दो जिंदगियों के बारे में बातचीत होगी। एक कैरेक्टर फायर है तो वही कैरेक्टर उसी जिंदगी में कोल्ड भी है और लियो को सामना करना है एंटनी दास का, जो कि अपने संजू बाबा है। अब जानते हैं कि LCU ने इस सफर में कमाया क्या, LCU के पास क्या क्या है। नंबर 1, एक कमाल का डायरेक्टर जिसके पास सिर्फ विजय नहीं है, उसके पास स्टोरी भी है, उसके पास स्क्रीन प्ले भी है, उसके पास दिमाग भी है। पॉइंट नंबर 2, द गोट अनिरुद्ध। इस बंदे ने विक्रम में जो बीजीएम दिए ना भाई, रोलेस का बीजीएम आज भी आपको किसी ना किसी के रिंगटोन के रूप में सुनाई दे देगा। नंबर 3, द कैरेक्टर। LCU के कैरेक्टर से आप कंप्लीट नहीं कर सकते भाई, इनके नाम से लेकर इनका काम सब बवाल है। आप एक ही कैरेक्टर पर घंटों घंटों बात कर सकते हैं। रोलेक्स जिसकी जो मूवी आने वाली है, पता नहीं रोलेक्स की जिंदगी पर कितनी मूवी बन सकती है। तो इसीलिए LCU के हर कैरेक्टर पर उसके लिखावट पर ध्यान दिया गया है। इट्स ऑफ टू लोकेश कनगराज। तो इसीलिए LCU के कैरेक्टर और उसकी कहानी भी गोट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, बहुत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।